चीज दिखाता हूँ, अगर ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरे लास्ट वाले वीडियो में मुझे कमेंट करके आप लोगों ने नहीं बताया कि मुझे इंट्रोडक्शन कैसा देना चाहिए। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरा जो इंट्रोडक्शन था वो काफ़ी लंबा था, तो मैंने इस बार थोड़ा शॉर्ट किया है। शॉर्ट कैसे, अब मैं बोलूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूँ आज के इस ब्लॉग पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, हो मेरे को तो मज़ा ही आ गया कि मतलब चाइनीज़ वाले हैं ना, खतरनाक लेवल बनाते हैं, खतरनाक लेवल। हाँ, ये बात सही है कि कॉपी करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं ज़बरदस्त करते हैं। तो आज मैं जो इंट्रोड्यूस या इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ जिस कार के बारे में, वो फुल्ली इलेक्ट्रिक है, बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे। एक वीडियो कम पड़ जाएंगे, इतने सारे फीचर्स बड़े बड़े। सबसे बड़ी बात, 2024 का है ये। जी, लेट मी इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक कार। स्पेसिफिकेशन आज मैं पहले आपको सबसे पहले स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। भरे पड़े हैं, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं अभी जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है प्राइस कितना है। मुझे मालूम है, अपने वीडियो में देख लिया होगा। तो प्राइस के बारे में आज मैं सबसे पहले ही बता देता हूँ, फीचर्स में मैं बाद में आता हूँ। प्राइस इसका है 90,000 लगभग, सिर्फ 100 दिराम कम है, 89,900 का है। प्लीज़ सच बताइए, सामने से आपका ये लुक देख के आप क्या सोच रहे हैं, कैसा होगा? है ना, बहुत सारे खटिंग है। सामने ये ग्रिल देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ब्रांडिंग सामने आपको ये देखने को मिल जाएगा। सामने जो वुड है वो भी क्लासिक लुक दे रहा है। सामने यहाँ पे आपका जो लाइट्स वगैरह है वो भी आपको देखने को मिल रहा है। हमने कुछ ऐसा लुक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको चाबी दिखा दूँ। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत सा ऐसा फिनिशिंग क्रोम किया हुआ, कितना खूबसूरत लग रहा है। देखो, ज़बरदस्त है ना सर, ज़बरदस्त है ना दोस्तों। ये जो है ये रबड़ का है, यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसा ही। सीरीज का ग्रिपिंग अच्छा रहे, मतलब आर पार आप देख सकते हैं। तो ये कुछ भी चाहिए, ये रिलीज स्टार्टिंग करने के लिए गाड़ी, और यहाँ पे लॉक और ये रूट चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा, यहाँ पे फॉग लाइट आपको देखने को मिल जाएगा, LED यहाँ पे लाइट आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे व्हील्स जो है करूँ तो यहाँ पे येलोइश जो एक स्ट्रिप मारा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे जो एलॉय व्हील्स है, ये काफ़ी यूनिक डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साइड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे साइड में एक छोटा सा कट दिया हुआ है, जाकि एरोडायनेमिक लगे करूँ। तो ये कुछ ऐसा शायद ओपन करके रखा होगा इन्होंने। ये हैंडल कुछ बात करें तो बहुत ही स्मूथ है, अंदर की जगह भी नहीं जा रहा है, अंदर की तरफ भी नहीं कर सकते क्योंकि शोरूम में है बोल के। पीछे की तरफ अगर बात करूँ तो पीछे में कुछ ऐसा अपने को देखने को मिल जाएगा। चलिए एक बार उसको ओपन करके देखते हैं। ये देखो स्क्रीन में इसका कितना लीटर है आप देख पा रहे होंगे, या तो यहाँ पे ऐसा कुछ इसका देखने को मिलेगा। बहुत सा ह्यूज स्पेस दिया हुआ है, साथ में टूल बॉक्स भी यहाँ पे आपको देखने, साथ में यहाँ पे एक स्टेपनी टायर देखने को मिल जाएगा, लाइट्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे एक और चीज़ है, ये देखिए टॉप टुगेदर ये दिखा रहा है ना, मतलब ये पूरा पीछे की तरफ भी आ जाएगा, ये तो फ्रंट पे भी जा सकता है। चलिए यहाँ पे कुछ स्विच भी है, ये देखिए, ये देखो, गजब बहुत गजब। पीछे की तरफ जो देखने को मिलेगा कुछ ऐसा लुक्स है, यहाँ पे साइड में आपका फिनिशिंग मिल जाएगा जो पूरा एरोडायनेमिक लग रहा है। इसमें वाइपर्स नहीं दिए गए, पिछले वाले वीडियो में इन लोगों का था वाइपर्स। अब मैं चलता हूँ अंदर की तरफ, कैसा लुक है मैं अंदर में दिखना चाहता हूँ। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, फैबुलस। अब जो देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है ये लेदर फिनिशिंग दिया हुआ है, थोड़ा सा हल्का हार्ड मटेरियल है लेकिन ओके है। ऑटो विंडो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। स्पीकर्स यहाँ पे कौन सा ब्रांड है वो नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पे स्पीकर्स हैं। कप्स वगैरह रखने के लिए यहाँ पे जगह है। वेंटिलेटेड सीट आपने को देखने को मिल रहा है, हेड रेस्ट मिल रहा है यहाँ पे, सीट एडजस्टेबल ऑप्शन नहीं है। आर्म रेस्ट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको कप्स मिलेगा। अगर स्पेस की बात करूँ तो ये कुछ ऐसा स्पेस है, ठीक है, ओके है, ज़बरदस्त है। मैं अगर रिलैक्स करके भी अगर बैठूँ, ग्रेट, बैठ सकता हूँ, अच्छा बैठ सकता हूँ। हाइट भी ऊपर अच्छा ही खासा है, ज़बरदस्त है। चलिए फ्रंट पे चलते हैं, फ्रंट पे कैसा दिखता है।
फ्रंट की अगर बात करें तो चलिए अंदर जाके देखते हैं फ्रंट पे क्या क्या है। फर्स्ट ही फर्स्ट यहाँ पे अगर देखने को मिलेगा तो ये एक ह्यूज बड़ा सा दरवाज़ा जो कि यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ ही आपका एकदम वो लॉक सिस्टम है, बहुत स्मूथ है, हल्का है लेकिन बहुत स्मूथ है। सारे पैनल कंट्रोल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको जो लेफ्ट एंड राइट के जो मिरर्स है वो आपको यहाँ पे एडजस्ट करने को मिल जाएगा, लॉक अनलॉक सिस्टम यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे जो विंडोज़ वगैरह हैं ऑटो वाला विंडो सिस्टम है, ट्विटर यहाँ पे लगे हुए हैं, स्पीकर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, थोड़ा सा अच्छा खासा स्पेस भी है। चलिए अंदर बैठ के देखते हैं। ओके, सबसे पहली बात, बहुत ही अजीब और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत 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 ही अच्छा है। देखिए स्पेस नो डाउट बहुत अच्छा है, अगर स्टेयरिंग की बात करूं तो बहुत तो सॉफ्ट है और स्मूथ भी है। मैं अगर लेफ्ट राइट अभी तो कुछ नहीं करता, तो लॉक किए हुए लगते हैं सब। एनीवेज बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी हद तक सही है, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। बड़ा सा स्क्रीन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एसी के वहाँ पे एक दिए हुए हैं, यहाँ पे और यहाँ पे एसी का फीचर्स वगैरह देख सकते हैं। चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं गेट खोलता हूँ तो ये पर्टिकुलर दिखा देता है कि कौन सा गेट कितना तक खुला हुआ है, ये देखिए कहाँ तक खुला हुआ है, या खोल रहे हैं हम लोग वो दिखा रहा है, गजब है, अच्छा है। यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम दिए हुए हैं, यहाँ पे भी लाइट वगैरह सब चल रहा है, यहाँ पे मिरर वगैरह दिए हुए हैं पैसेंजर्स और यहाँ पे पैसेंजर्स और ड्राइविंग सीट के, यहाँ पे मिरर कुछ अच्छा खासा दिया हुआ है। यहाँ पे आपका बूट स्पेस, यहाँ पे थोड़ा वो स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है, काफ़ी गहरा स्पेस यहाँ पे भी दिया हुआ है। चाइनीज़ के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा खासा ही है, नो डाउट इको फ्रेंडली है और पूरा बैटरी में चलने वाला है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये डायमंड कट वाला आपको डायमंड कट वाला आपको गियर देखने को मिलेगा, रिवर्स माने ऑटोमेटिक सिस्टम जो आपको दिया है, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव मोड देख सकते हैं, हैंड ब्रेक जो है ऑटोमेटिक दिया हुआ है, लाइक पावर वाले जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जैसे होते हैं। यहाँ पे कुछ मैनुअल सेटअप दिए हुए हैं, वेंटिलेटर सीट भी आपको देखने कब तक बहुत नरम एंड सॉफ्ट लग रहे हैं, यहाँ पे कुशन्स वगैरह है, यहाँ पे ये आपका पूरा सनरूफ दिया हुआ है, एक बार देखते हैं यहाँ पे अगर कहीं पे ऑप्शन हो तो। स्क्रीन यहाँ पे देख सकते हैं, फुल आपका ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा स्टफ्स आप तो देख सकते हैं यहाँ पे सारी, ये पूरा ड्राइविंग मोड वगैरह यहाँ पे सब दिए हुए हैं, दिस मोड कैन नॉट बी यूज अंटिल द व्हीकल स्टार्ट्स, व्हीकल स्टार्ट नहीं होगा तो नहीं होगा। स्टेयरिंग का क्या दिया हुआ है, स्टेयरिंग कुछ नहीं यहाँ पे दिया, ओके ऑप्शन, तो ऑप्शन बहुत सारे हैं यहाँ पे, लेकिन काफ़ी डिटेल्स में इसमें बनाने के लिए मुझे एक दिन चला के देखना पड़ेगा। अभी एक और गजब है। ओके, आई एम रियली सॉरी दोस्तों कि मैं चालू करके आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ शोरूम में, यू कैन अंडरस्टैंड दोस्तों। तो प्राइस जो है, जैसे कि मैंने फर्स्ट में दिखाई, एक और बार दिखा देता हूँ प्राइस ताकि आप भूले नहीं, 89,900, बिलीव करना इम्पॉसिबल है, 89,900 में ये इलेक्ट्रिक कार आपका हो सकता है। तो अच्छा लगा, कैसा लगा बताइए मेरे को। तो ये था आज का ब्लॉग, कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही सुपर कार स्पोर्ट्स कार के बारे में आपको पूरा डिटेलिंग बताता रहूँगा। एक कमेंट प्लीज़ प्यारे से छोटा सा एक कमेंट दीजिए, कैसा लगा, नहीं लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे कुछ ना कुछ डिटेलिंग बताइए कि मैं आपको कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। ये था आज का ब्लॉग, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।